स्वागत है आपका सीटीडी न्यूज में। नेपाल ने बुधवार को सीमित गंतव्यों के लिए घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों का संचालन दोबारा शुरू करने की घोषणा की है, लेकिन इनके साथ ही कुछ प्रतिबंध भी लगे रहेंगे। कोविड-19 महामारी की दूसरी लहर के चलते कुछ हफ्ते पहले लागू किए गए लॉकडाउन के कारण इन सेवाओं को निलंबित कर दिया गया था। नागरिक उड्डयन मंत्रालय के मुताबिक 1 जुलाई से 50% क्षमता के साथ घरेलू उड़ान से संचालन की अनुमति रहेगी। वहीं सरकार द्वारा निर्धारित सुरक्षा प्रोटोकॉल के तहत 24 जून से अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों का संचालन किया जा सकेगा। मंत्रालय द्वारा जारी बयान में कहा गया, सरकार ने काठमांडू से आने वाली नियमित अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों को सीमित गंतव्यों के लिए संचालन बहाल करने का निर्णय लिया है। नए फैसलों के मुताबिक नेपाल एयरलाइंस एवं एयर केयर एयरवेज को सप्ताह में दो बार काठमांडू दोहा सेक्टर के लिए उड़ान भरने की अनुमति रहेगी। बयान के मुताबिक काठमांडू और नई दिल्ली के बीच एक उड़ान के संचालन की अनुमति दी गई है। नेपाल सरकार ने फैसला किया है कि काठमांडू कुआला लंपुर सेक्टर, काठमांडू इस्तांबुल, काठमांडू दमगल और काठमांडू कुवैत के लिए हफ्ते में 4 उड़ाने को अनुमति होगी, जबकि काठमांडू मरकट, काठमांडू सियोल, काठमांडू जापान, काठमांडू चेंगडू और काठमांडू गुआंगझोई के हफ्ते में 1 उड़ान को अनुमति होगी। सरकार ने ये छूट इसलिए दी है क्योंकि बीते हफ्ते में, हम आपको बता दें कि कोविड-19 के मामलों में गिरावट देखी गई है। स्थानीय मीडिया रिपोर्ट के अनुसार बुधवार तक नेपाल में कोरोना वायरस के कुल मामले 6,27,854 हो गए हैं और संक्रमण के कारण मरने वालों की संख्या 8,894 पहुँच गई है। इस देश में भी बीते महीने कोरोना वायरस ने काफ़ी कहर बरपाया है। नेपाल में रिकॉर्ड संख्या में नए मामले आ रहे हैं और मृतकों की संख्या भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है। इसके साथ ही यह मेडिकल ऑक्सीजन और अस्पतालों के बेड तक की कमी हो गई है। हालांकि अब मामलों में गिरावट दर्ज होने की बात कही गई है, साथ ही देश में टीकाकरण अभियान भी चल रहा है। नेपाल को भारत के अलावा चीन से भी कोविड-19 वैक्सीन की मदद मिल रही है। देश दुनिया की ऐसी बड़ी खबरों के लिए देखते रहें सीटीडी न्यूज़ और साथ ही लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।